हेलो यार, रॉयल रंबल WWE का नेक्स्ट इवेंट होने वाला है। अच्छा रुकना जरा से 2 मिनट, एक छोटी सी बात बोलनी थी आपको। अभी बस 3-4 दिन पहले ही मेरी 34 वीडियोस उड़ा दी है WWE ने, मतलब WWE ने तो नहीं, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया और फॉक्स नेटवर्क ने। तो थोड़ा सा टफ टाइम है यार, सपोर्ट कर देना। और सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर शुरू होने से पहले 100K कंप्लीट करने हैं हमें। ओके नाउ बैक टू द वीडियो। आप में से काफी लोगों ने यार मुझसे पूछा कि जय ब्रो, रॉयल रंबल में हमें कौन कौन से मैचेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि सही बात है यार, क्यूरियोसिटी मुझे भी है कि रॉयल रंबल 2023 का मैच कार्ड कैसा होगा। एग्जैक्टली उसी की प्रेडिक्शन मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूं, लेकिन इंट्रो के बाद। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ओके तो यार बात कुछ ऐसी, पूछो कैसी, वो ये कि यार रॉयल रंबल होने में भी बहुत ही ज्यादा टाइम है, तो बहुत सारी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, लेकिन 2 प्रेडिक्शन तो बिल्कुल गलत नहीं होने वाली है। जिसमें से पहली है मेंस रॉयल रंबल मैच, जो कि हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अकॉर्डिंग इस बार शायद हमें 30 मैन रॉयल रंबल मैच नहीं, बल्कि 40 मैन रॉयल रंबल मैच देखने को मिल सकता है, जो कि अगेन यार बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने के लिए अगर ऐसा हो जाता तो। और हाँ, मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए कोफी किंगस्टन ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए, बाकी सुपरस्टार्स तो धीरे धीरे अनाउंस हो जाएंगे, बट कौन कौन से रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी तो कमेंट कर देना। रॉयल रंबल 2023 के रिटर्न्स की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, अगर नहीं देखनी तो भी कमेंट कर देना, तो नहीं देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट मैच है जो कि ऑब्वियसली होने वाला है, द वुमेन्स रॉयल रंबल मैच, जिसके लिए करंटली तो कोई भी सुपरस्टार अनाउंस नहीं की गई है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। उससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हमें देखने को मिल सकता है, वो द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप बियांका ब्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली के बीच। अब ये सर्वाइवर सीरीज 2022 के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बियांका ब्लेयर ने बताया था कि रेसलमेनिया 39 में वो रिया रिप्ली को करने वाली है। तो हाँ, मैं थोड़ा सा अनश्योर जरूर हूँ कि क्या रॉयल रंबल में हमें मैच देखने को मिलेगा या सीधा डायरेक्टली रेसलमेनिया 39 में देखने को मिलेगा, लेकिन करंटली मुझे लग रहा है कि शायद इनकी स्टोरीलाइन रॉयल रंबल से शुरू हो जाएगी, तो शायद हमें मैच देखने को मिल सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मैच, जो कि हमें देखने को मिल सकता है फाइनली ब्रे वाइट का, जो कि हो सकता है ब्रे वाइट वर्सेस एले नाइट। अब हम देख ही रहे हैं इनकी ऑलरेडी स्टोरीलाइन चल रही है, बहुत टाइम हो गया ब्रे वाइट का कचरा होता जा रहा है धीरे धीरे, अब फाइनली एक आध मैच तो दिखा दे WWE हमें उनका। अब इतने लंबे टाइम बाद भी इतना बड़ा इवेंट आएगा WWE का, रॉयल रंबल जैसा इवेंट, और उसमें भी ब्रे वाइट का मैच नहीं हुआ तो हम सब खुद बोलेंगे ब्रे वाइट को कि इससे अच्छा आप चले जाओ, लड़ते तो हो नहीं आप। खैर जोक्स अपार्ट, अब इतना लंबा टाइम जब हो जाएगा ब्रे वाइट को, तो डेफिनेटली हमें उनका मैच देखने को मिलेगा मिलेगा रॉयल रंबल में। अब मैं चलता हूं इससे नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि हमें देखने को मिल सकता है राउडी रोंडा राउजी वर्सेस रकूल रोड्रिगेज के बीच फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। अब यार काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं इस मैच के, मैंने शायद आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि रकूल रोड्रिगेज को WWE काफी अच्छा खासा पुश देने वाली शायद आने वाले टाइम में, तो शायद हमें मैच देखने को मिल सकता है। और राउजी को देख के लगता भी नहीं कि रॉयल रंबल से पहले वो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगी, तो ऑब्वियसली रॉयल रंबल में मैच होगा फिर। एंड फाइनली कमिंग टू द फाइनल मैच, जो कि हमें देखने को मिल सकता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवंस के बीच। अब यार जिस तरह का स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन चल रहा है करंटली, WWE डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी मैच की तरफ लीड कर रही है रॉयल रंबल 2023 के लिए। बाकी यार मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान है एक वीडियो लाने का, जिसमें मैं रॉयल रंबल से लेकर रेसलमेनिया 39 तक की प्रेडिक्शन करूंगा ब्लड लाइन के लिए, इन शॉर्ट रॉड टू रेसलमेनिया 39। तो हाँ, वो वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मजा जरूर आएगा। एंड यार मैच प्रेडिक्शन में बात है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की, अगर मेंस और वुमेन्स रॉयल रंबल मैच इतना ज्यादा टाइम ले लेते हैं ऑलरेडी कि ज्यादा मैचेस WWE रॉयल रंबल में डाल लेने वाली, इसलिए मैंने वो 2 मैचेस इंक्लूड ही नहीं किए। ओके तो इसी के साथ यही थी मेरी मैच कार्ड प्रेडिक्शन फॉर रॉयल रंबल 2023। आप अपनी मैच कार्ड प्रेडिक्शन मुझे कमेंट में बताना, और जो जो भी मैंने कमेंट करने को बोला वो भी कमेंट करके बताना। एंड यार एज ऑलवेज, अभी 2 वीडियोस आपके सामने आ रही होंगी, रॉयल रंबल 2023 का डेट एंड टाइम जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करना, एंड रोमन रेंस का लेजेंडरी टाइटल रन किस तरह एंड हो सकता है वो जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पे। मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय लॉगिंग आउट।